हाय गाइस, मेरा रू कोरियर एंड पार्सल एक्सपर्ट और आप देख रहे हो टेक्निकल एचआरटी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कोई भी कोरियर से कोई भी पार्सल को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि हम कोरियर के थ्रू कैसे कोई भी पार्सल को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि एक ऐसे वीडियो बनाइए जिसमें मतलब जिसके थ्रू हम कोई भी कोरियर से पार्सल भेज सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड पार्सल बाय एनी कोरियर, ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, जरूर आपको पता चल जाएगा कि हम कोरियर के थ्रू कोई भी पार्सल को कैसे भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल का घंटी दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, मैं एक पार्सल पकड़ लो, कोई भी चीज़, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ये बॉक्स मुझे भेजना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको फास्ट पैक करना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा से पैक करना है, चाहे वो हो गया टेम्पर प्रूफ कोरियर बैग में आप पैक करो, चाहे आप इसे कोई भी कार्टून में पैक करो, ठीक है। पैक करने के बाद आपको बस एड्रेस लगाना है, टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। टू यानी जहाँ पे आप भेज रहे हो, और फ्रॉम एड्रेस यानी आपका अपना एड्रेस, ठीक है। बाई चांस अगर पार्सल डिलीवर नहीं हुआ तो आपको रिटर्न आ सके, ठीक है। इसलिए फ्रॉम एड्रेस बहुत जरूरी है। अब टू एड्रेस में क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, डिटेल में इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, जो पहली बार सेंड कर रहे हैं उनको भी अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो टू में उनका नाम लिखना है, ठीक है, उनका एड्रेस लिखना है, उसके बाद पिन कोड लिखना है, उसके बाद वहाँ पर लैंडमार्क भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। लैंडमार्क लिखने के बाद नंबर देना है उनका, नंबर कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है, नंबर देना ही देना है। और फॉर्म में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म में आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, लैंडमार्क होगा, उसके बाद नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। पिन कोड, लैंडमार्क और फ़ोन नंबर ये कंपलसरी है दोस्तों, एड्रेस भी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये करना है आपको, अगर ये पार्सल भेज रहे हो तो एड्रेस आपने लिख लिया, पार्सल पैक कर लिया, उसके बाद एड्रेस डाल दिया। अब आपको जाना है कोई भी कुरियर सर्विस के पास, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल इंडिया पोस्ट ऑफिस, या आप कह लो DTDC का ऑफिस, ठीक है। आप गए हो इंडिया पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर जाके ये बोलना है कि मुझे ये पार्सल भेजना है, ठीक है। जहाँ भी स्पीड पोस्ट का सर्विस देता हो वहाँ जाइए, अगर आप इंडिया पोस्ट में जा रहे हो। अगर आप DTDC या कोई भी प्राइवेट कोरियर सर्विस में जा रहे हो तो उनको जाके सिर्फ ये बोलिए कि मुझे ये पार्सल भेजना है, ठीक है। वहाँ पे वो पार्सल वेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम वेट करेंगे, कितना KG होगा उस हिसाब से आपसे पेमेंट लिया जाएगा, KG और आप कितना दूर भेज रहे हो उस हिसाब से वहाँ पे मतलब सारा का सारा हिसाब होगा, ठीक है, कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपसे पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। आपके पार्सल में एक रिसिप्ट लगाया जाएगा जिसमें ट्रैकिंग ID रहेगा, ठीक है। आपको भी एक रिसिप्ट दिया जाएगा जिसमें ट्रैकिंग ID रहेगा, आप ट्रैक इजीली कर सकते हो आपका पार्सल को, ठीक है। आपका पार्सल आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे पहुँचा, कहाँ कब तक पहुँचेगा, अभी कहाँ पर है, ठीक है, ट्रैक कर सकते हो, मतलब पार्सल आपका कहाँ पर अभी है, ठीक है, उस ट्रैकिंग ID से। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, पेमेंट वहाँ पे देना है आपको, जितना भी पेमेंट होता है किलोमीटर और KG वाइज, ठीक है। पेमेंट देने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, और रिसिप्ट लेके आ जाइए अपना घर। अब आप ट्रैक कीजिए इजीली कि आपका पार्सल कहाँ पे पहुँचा है, और डिलीवर होने के बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा, ठीक है। इजीली मैसेज मिल जाएगा कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है, आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों, रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली कोई भी व्यक्ति पार्सल को सेंड कर सकता है, अगर आपको मतलब उन लोगों को बेसिक्स पता हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स क्या है दोस्तों, पार्सल लेना है, पैक करना है, एड्रेस डालना है, उसके बाद इंडिया पोस्ट ऑफिस में चले जाना है या कोई भी कुरियर के ऑफिस में चले जाना है, ठीक है। वहाँ पे बोलना है कि मुझे पार्सल सेंड करना है, वहाँ पर वो लोग वेट करेंगे, वहाँ पर क्या वेट करके आपसे पेमेंट लिया जाएगा, वहाँ पर एक रिसिप्ट लगाया जाएगा, आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा, और मतलब प्रोसीजर ख़त्म हो गया प्रोसीजर। बस इतना ही से इतना ही काम है ना दोस्तों। मुझे भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था जब मैं पहली बार पार्सल भेज रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा तो अभी एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं बहुत बार पार्सल भेजते रहता हूँ तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ऐसा लगता भी नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है दोस्तों। बहुत इजी है दोस्तों, आप इजीली कोई भी पार्सल को मतलब सेंड कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है पार्सल एंड कुरियर रिलेटेड, तो आप मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मुझे
गाइड ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, मैं 100% आप लोगों को हेल्प करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोज लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।